इस बड़ी खबरें वो भी फटाफट अंदाज। तीन राज्यों में नई सरकार बनाकर कांग्रेस ने कराया ताकत का एहसास। शपथ समारोह में एंटी बीजेपी नेताओं का शक्ति प्रदर्शन, लेकिन नहीं पहुंचे माया और अखिलेश। राजस्थान को मिला नया मुख्यमंत्री। भव्य कार्यक्रम के बीच अशोक गहलोत ने ली ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल में शपथ, वसुंधरा भी रही मौजूद। पूरी हुई पायलट की कसम तो सचिन पायलट ने बांधा साफा, बने गहलोत के को पायलट, बोले डबल इंजन की सरकार से राजस्थान को होगा फायदा। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने कमलनाथ, सीएम बनते ही एक्शन में आए, कर्ज माफी वाली फाइल पर दस्तखत, राहुल बोले एक हुआ तो दो राज्यों में बाकी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बने नए सरदार, राज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ, डॉक्टर रमन सिंह भी थे मौजूद। तीन राज्यों के शपथ समारोह के दौरान दिखे शानदार नजारे, वसुंधरा के भतीजे ज्योतिरादित्य को लगा लिया गले, पायलट और गहलोत से भी मिले। एमपी में कमलनाथ और सिंधिया के साथ गर्मजोशी से मिले शिवराज। जयपुर एयरपोर्ट पर दिखा राहुल गांधी का आम आदमी वाला अंदाज, व्हीलचेयर पर बैठी महिला से मिलकर पूछा हालचाल। 1984 के सिख दंगों में बड़ा फैसला, दिल्ली कैंट मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा, 5 लाख का जुर्माना भी लगा। अकाली बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। 2019 से पहले मास्टर्स स्ट्रोक की तैयारी में केंद्र सरकार, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए मेगा जॉब प्रोग्राम शुरू करने जा रही है मोदी सरकार। राफेल मामले पर फ्रंट फुट पर आई बीजेपी ने राहुल को घेरा, सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में विशेषाधिकार हनन नोटिस का प्रस्ताव पेश किया। लड़ाकू विमान राफेल पर पीछे हटने को तैयार नहीं है कांग्रेस का, जेपीसीसी का मंजूर नहीं, मोदी के मंत्रियों ने फिर किया पलटवार। मालदीव से रिश्ते और हुए मजबूत, 1.4 बिलियन डॉलर की मदद करेगा भारत। पीएम मोदी और इब्राहिम मोहम्मद के बीच हुए 4 अहम समझौते। केंद्रीय सूचना आयोग ने मांगा नोटबंदी के बाद 500 और 2000 के नोटों की छपाई का ब्यौरा। मुंबई के अंधेरी में कामगार अस्पताल में लगी आग, मौत का आंकड़ा 6 तक पहुंचा, आग की चपेट में 100 से ज्यादा लोग झुलसे। पंजाब के लुधियाना में टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद पाया काबू, भारी नुकसान। कोटा में छेड़छाड़ ने ली 10वीं की छात्रा की जान, सुसाइड नोट में 2 युवकों पर लगाया आरोप, मामले की जांच में जुटी कोटा पुलिस। अब 28-29 जनवरी को होगा आरएएस मेंस का एग्जाम, आरपीएससी ने किया नई तारीखों का ऐलान, पहले 23 और 24 दिसंबर को होनी थी परीक्षा। चुरू के शहीद सपूत किशन सिंह को नम आंखों से दी गई विदाई, वीर लड़ाकों को देखने उमड़ पड़ा पूरा इलाका, पुलवामा में 3 आतंकियों को मारकर हुए थे शहीद। आतंकी आका हाफिज सईद ने फिर जारी किया भड़काऊ वीडियो, भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान किया। आंध्र प्रदेश में फैथाई तूफान ने मचाया कोहराम, तेज हवा के साथ जोरदार बारिश, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। कोलकाता में दिखा फैथाई तूफान का असर, जमकर हुई बारिश के बाद व्यवस्था अस्त व्यस्त। गुजरात के सूरत में ओडिशा महोत्सव की धूम, आज ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी हुए शामिल। फर्स्ट टेस्ट में टीम इंडिया पर मंडराया हार का खतरा, मैच के आखिरी दिन 175 रनों की जरूरत, आधी टीम लौटी पवेलियन तो वहीं पंत बिहारी क्रीज पर। फिलीपींस की कैफियोना क्रे बनी मिस यूनिवर्स 2018, भारत की नेहल को टॉप 20 में भी जगह नहीं।